हेलो दोस्तों, राधे राधे। तो माघ शीर्ष के महीने की पूजा पाठ कैसे किया जाता है तो मैं आपको कुछ दिखाने वाली हूँ। तो क्या क्या सामग्री आप ले सकते हैं, तो पांच प्रकार की जो फल हैं वो ले लीजिए। इस तरह से आप ले सकते हैं कुछ मीठा, अगर दूध की मिठाई ना हो तो आप खीर की भोग लगा सकते हैं या तो दूध का भी भोग लगा सकते हैं। तो ये तो हो गया फल। और पूजा के लिए क्या क्या सामग्री चाहिए, धूप, डोरी, चंदन और कुछ हल्दी, और ये अच्छा तक मीठे पान जो लक्ष्मी माँ को हम चढ़ाएंगे, भोग लगाएंगे। साथ में आप कलश भी तैयारी कर लें। इस तरह से हम कलश तैयारी कर लिए हैं, जो मौली भी हम बांध चुके हैं, स्वास्तिक भी बना लिए हैं, और यहाँ पे चावल हम इस तरह से हम बिछा लिए हैं। तो आप चाहें तो रंगोली बना सकते हैं या अष्ट कमल भी बना सकते हैं। तो इस तरह से हम चावल रख लिए हैं। उसके बाद हम रखेंगे यहाँ कलश। तो आपके पास अगर आम के पत्ते नहीं हैं तो इसमें हम सारा चीज़ डाल दिए हैं, अक्षत फूल का इसमें सब चीज़ हम डाल लिए हैं, दर्प डाल लिए हैं, सिक्के, अक्षत पुष्प और ये हल्दी के गांठ भी डाल दिए हैं। उसके बाद हम आम के पत्ते, मेरे पास नहीं उपलब्ध है तो हम पान के पत्ते से ही कलश पर हम रखेंगे। तो आम के पत्ते पर हम लगा लेते हैं कुमकुम हल्दी। इस तरह से दोस्तों हम कुमकुम हल्दी लगाएंगे इस तरह से। हल्दी और कुमकुम का टीका जरूर लगाएं। मेरे पास आम के पत्ते उपलब्ध नहीं है तो पान के पत्ते से ही कलश पर रखेंगे। हल्दी, कुमकुम, इस तरह से हम लगा लेंगे। इस तरह से दोस्तों हम इस तरह से पांचों के पांचों हम इस तरह से लगा लेते हैं। उसके बाद हम रखेंगे नारियल फल। तो नारियल में हम मौली बांध चुके हैं इस तरह से। तो जटा जो है ऊपर की ओर हम रखेंगे इस तरह से कलश पे। गुरुवार के दिन आप कलश को जो भी इसका पानी है तो घर में छिड़काव करने के बाद, उसके बाद चार गुरुवार आएंगे तो चारों गुरुवार नारियल यही रहेगा दोस्तों। इस तरह से आपको कलश का पानी चेंज करना है, उसके बाद नारियल यही रहेगा। तो पूरे महीने आप चार गुरुवार जो है इस तरह से आप पूजन कर सकते हैं। तो हम स्थापित करते हैं गणपति जी को। तो बिना गणपति जी के लिए पूजा जो है संपन्न नहीं होती है। तो गणपति के नीचे हम थोड़ी अच्छा रख देते हैं, खाली नहीं बैठाया जाता इनको। अब कराते हैं स्नान। पहले सर्वप्रथम गणेश जी को हम स्नान कराते हैं, उसके बाद कलश को भी स्नान कराएंगे। इधर लक्ष्मी माँ का जो कुछ फोटो रखे हैं उसको भी आप स्नान करा सकते हैं। तो उस चढ़ा देंगे, अच्छा चढ़ाएंगे। वस्त्र रूपी मौली आप चढ़ा सकते हैं इस तरह से। और चंदन का टीका इनको लगाएं। माँ लक्ष्मी को अंगूर का टीका लगा सकते हैं। और कलश को भी आप इस तरह से पूजन करें, चंदन, रोड़ी और इस तरह से टीका लगा कुछ अक्षत भी इस तरह से आप चढ़ा दें। दोस्तों इस तरह के हम इनको माला हम चढ़ा देते हैं, जो भी आपके पास फोटो है। ये चुनरी चढ़ाना है कलश पर, तो हम इन्हीं को लक्ष्मी जी मान कर ही चल सकते हैं। इनको ही सर्वप्रथम लक्ष्मी जी माने हैं। अब इनको हम चढ़ाते हैं माला।
आप तो जो भी लक्ष्मी माँ का स्तुति आता हो वो आप कर सकते हैं। तो 108 बार या 11 बार लक्ष्मी माँ का मंत्र आप जाप कर सकते हैं। तो अब जला लेते हैं धूप और दीपक। तो दोस्तों धूप दीपक हम जला लिए हैं, उसके बाद इनको दिखा देते हैं। तो आपको जो भी लक्ष्मी माँ का मंत्र या आरती आता हो आप बोल सकते हैं। तो पान में जो पान मीठे पान जो मंगवाए हैं तो यहाँ वो लगा देते हैं। मीठे में जो भी आप जैसे दूध का मिठाई या तो नहीं उपलब्ध है तो आप खीर भी बना सके वो लगा सकते हैं और फल का भी लगा सकते हैं। माँ लक्ष्मी जी का जो भी स्तुति आता हो आप उनको कर सकते हैं, कथा भी सुन सकते हैं। 108 लक्ष्मी माँ का मंत्र है वो भी आप जाप तप कर सकते हैं। तो माँ लक्ष्मी को ये प्रिय है गुलाब का, तो यहाँ हम चढ़ा देते हैं। तो मेरे पास अभी एक ही है तो कलश के पास हम चढ़ा दें, क्योंकि कलश को ही लक्ष्मी माँ हम मान रहे हैं, तो इसलिए यहाँ हम चढ़ा दिए हैं। तो यहाँ भी चढ़ा सकते हैं, अगर वहाँ भी चढ़ा सकते हैं, आपके पास उपलब्ध ज़्यादा हो मात्रा में तो आप वहाँ भी चढ़ा सकते हैं। दोस्तों श्री कृष्ण के प्रिय ये माघ ऋषि का महीना होता है। ये हिंदू पंचांग 9 महीने हैं, इस अगहन के महीने भी कहते हैं। इसे हिंदू शास्त्र में पवित्र महीने माने जाते हैं। यह इतने पवित्र महीने हैं कि भगवान गीता में कहते हैं कि महीने में माघ शीश का इसी महीने से सतयुग और आरंभ माना जाता है। कश्यप ऋषि ने इसी महीने में कश्मीर का रचना की थी। इस महीने के जप तप और ध्यान के लिए सर्वोत्तम माना जाता है। इसे महीने में पवित्र नदियों में स्नान करना चाहिए, ये विशेष फलदायक होता है। इस बार माघ शीश का महीना 13 नवंबर से 12 दिसंबर तक ही रहेगा। तो आप दोस्तों इस तरह से पूरे माघ के महीने में अगहन के जो महीने हैं तो चारों गुरुवार आप इसी तरह कलश स्थापना करके पूजा अर्चना कर सकते हैं। माना जाता है कि अगहन के जो महीने हैं माँ लक्ष्मी इस पूजे से बहुत ज़्यादा प्रसन्न होकर अपने आशीर्वाद प्रदान जरूर करती हैं। तो घर में सुख समृद्धि जरूर अगहन आगमन की सूचना मिलती है। इस महीने में मंगलकारी विशेष फलदायक होते हैं, जैसे कि इस महीने से विष्णु भगवान जैसे सोए रहते हैं तो जाग जाते हैं। उसके बाद जो भी कार्य होता है शादी विवाह और ये गिरी जो भी शुभ काम होते हैं मंगल कार्य वो यहाँ से शुरू हो जाते हैं। तो इस महीने में श्री कृष्ण की उपासना और पवित्र नदियों में स्नान विशेष शुभ होता है। इस महीने में संतान के लिए वरदान बहुत सरलता से मिलता है कि इस महीने में जो भी आपके जैसे आपके संतान नहीं है तो आप इस महीने में पूजा पाठ अच्छे से भाव बनाकर अगर अच्छे मन से कुछ मांगे तो संतान प्राप्ति भी होती है। तो इस महीने का ये मानता है बहुत सरलता मिलती है, साथ ही साथ चंद्रमा से अमृत तत्व की प्राप्ति भी होती है। जैसे चंद्रमा जो सूर्य उदय होते हैं तो अब जैसे माघ अगहन जो महीना होता है तो ठंड के कारण चंद्रमा जो है तो शरीर में उपद्रव, जैसे कि हम धूप में जाते हैं तो उस तरह से हम लोग शरीर में चंद्रमा का ऊर्जा प्राप्त अच्छे से होता है। इस महीने में भी कीर्तन भजन और फल आगमन होते हैं, जैसे कि इस महीने में जितने आप उपासना कीर्तन भजन जितने आपसे हो सके उतने आप कर सकते हैं।
तो इस अगहन महीने की यह महत्व होती है। जहाँ तक संभव हो भगवान श्री कृष्ण की पूजा करनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण पूजा करके तुलसी का पत्ते का भोग जरूर लगाएं। इस महीने में तुलसी भगवान कृष्ण को तुलसी पत्ते का भोग बहुत प्रिय होती है, इसलिए आप ये तुलसी पत्ते का जो भोग लगाते हैं ये प्रसाद के रूप में आप जरूर ग्रहण कीजिए। यह माघ शीश का महीना है। कुछ इस तरह की जानकारी दोस्तों। तो दोस्तों ये जो भी आपको आरती आता हो तो सारी पूजा जब संपन्न हो जाए तो आप जो भी लक्ष्मी माँ का स्तुति करना है 108 बार का आप वो कर सकते हैं। तो आप भजन कीर्तन आज के दिन कर सकते हैं, अच्छे भाव से अच्छे मन से आप प्राप्त कर सकते हैं। जो भी आपके मन में मनोकामना है माँ लक्ष्मी विष्णु भगवान जी से आप मांग सकते हैं, वो अवश्य सबकी पूरा करती हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दें। कमेंट में जरूर लिख बताइएगा कि आपको छोटी सी वीडियो कैसी लगी। फ्रेंड फैमिली में ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं राधा रानी के श्रृंगार के साथ। तो हरे कृष्णा राधे राधे।